भाई साहब, गॉडजिला एक्स कॉन्ग का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, लेकिन 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 कुछ ज्यादा रिवील आउट नहीं कर दिया इन लोगों ने। मतलब बहुत कुछ दे, लेयर बाय लेयर ये अपना स्तर बढ़ाते जा रहे हैं। और भाई सिमू की एंट्री, जो अभी तक लग रहा था कि भाई कौन होने वाला है मॉन्स्टरवर्स में, न्यू एंट्री किसकी होने वाली है, क्योंकि अभी तक स्कार किंग एज दुश्मन दोनों को देखने को मिल रहा था, जय वीरू कौन अपने गॉडजिला और अपने कॉन्ग के अपोजिट में। लेकिन भाई 2-1 का मुकाबला नहीं होगा, 1-1 का मुकाबला होगा, यानी 2 vs 2। सिमू की टीम में अपना स्कार किंग चला जाएगा, जहां स्कार किंग को भाई साहब कुदा कुदा के मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। सिमू डायरेक्ट लड़ रहा है किससे, गॉडजिला से, और आप समझ रहे हो कि ये सिमू कौन है। तो भाई अगर इसके बारे में अगर कोई यहां पर है महान ज्ञानी तो जरूर बता के जाना। खैर मुझे इसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पता है, लेकिन 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 जितना पता है कि भाई गॉडजिला के जैसे ही ये बंदा दिखता है, और वो खासकर वैसा ही दिख रहा है, व्हाइट कलर में, जिसके पास आइस पावर है, जो बहुत बुरी तरीके से लेने वाला है किसकी, अपने गॉडजिला की और अपने कॉन्ग भाई की। लेकिन यहां पर गॉडजिला सिंगल कॉम्बैट में उस पे भारी पड़ रहा है, और अपना कॉन्ग भाई साहब स्कार किंग पे भारी पड़ रहा है, जहां पर स्कार किंग की तो ऐसी धज्जियां उड़ा रखी है कि भाई वो पूंछ से मार के उसे फेंक रहा है। तो भाई ये मूवी दमदार हाइप क्रिएट कर रही है, और फाइनल ट्रेलर इस हिसाब से मिल जाएगा भाई, इसके लिए लिटरली बहुत एक्साइटमेंट है। और इस साल बहुत बड़ी मूवी होने वाली है ये, क्योंकि इंटरनेशनल से अगर देखें, हॉलीवुड से देखें, तो अभी तक कोई इतनी बड़ी मूवी नहीं आई थी। पिछले साल एवतार द वे ऑफ वाटर हमें देखने को मिली थी, जो फाड़ के कमाई करके गई थी भाई, 250 से 300 करोड़ का बिजनेस अकेले उस मूवी ने कर रखा है, जबकि इंडियन मूवीज में इतना पोटेंशियल नहीं होता है जो इतना ज्यादा कलेक्शन कर जाए। लाइक शैतान अभी जो चल रही है, उससे इतनी उम्मीद भी नहीं करी जा रही कि 150 करोड़ भी यह मूवी कमा दी जाएगी। लेकिन गॉडजिला एक्स कॉन्ग के पास वो हाइप है इस समय कि वो मूवी इजिली ठोक के जाने वाली है। वो वाला सिनेरियो फिर से देखने को मिलने वाला है, जो एवेंजर्स द एंड गेम में मिला था, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मिला था 2009 में या 2008 में, अवतार मूवी आई थी तब वो सिनेरियो देखने को मिला था। तो ऐसा हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, और सिर्फ हिस्ट्री, बॉक्स ऑफिस या ग्लोरियस गाथा के रीराइट में ही नहीं होने वाली है भाई, मूवी में भी हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। वो सारे कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं कि गॉडजिला का ओरिजिनेशन, कॉन्ग का ओरिजिन नेशन कैसे हुआ, देन वो सारी चीजें। अब ये सारा कॉम्प्लिकेशंस क्यों आने वाला है, क्योंकि ट्रेलर से बात मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि पहले तो चलो ठीक है, ये सारी चीजें ऐसा लग रहे थे, लेकिन जो होलो अर्थ, जहां पर हमें एक न्यू वर्ल्ड देखने को मिला है, जहां कौन राज कर रहा है, स्कार किंग राज कर रहा है, अभी तक देखने में लग रहा था। लेकिन जब इससे पिछले वाला ट्रेलर आया था, वहां पर सिमू की एंट्री दिखाई गई थी, सिर्फ आंख दिखाई गई थी, जहां से पूरा कंफर्म हो गया था कि आइस पावर इसके बाद। लेकिन यहां पर सिंगल कॉम्बैट गॉडजिला से करते हुए दिखा रखा है। तो भाई इस टीम के लिए कौन एक्साइटेड है, कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने वाला है, क्योंकि यहां से एक प्रिडिक्शन ये भी निकल कर आ रही कि ये चीज यहां खत्म होने वाली है। मॉन्स्टर वर्स में ये जो दो एंट्री हुई है, ये दो एंट्री इन दोनों को इराडिकेट करने वाली है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इराडिकेट हो जाएंगे ये दोनों इतने इजीली, क्योंकि जिस हिसाब से जय वीरो का प्यार मोहब्बत केमिस्ट्री देखने को मिल रही है दोनों के बीच में, मतलब कॉन्ग भाई साहब यार गॉडजिला बड़े भाई के कंधे पे लटक के जा रहे हैं और हाथ में वो अपना हथियार, तो भाई ये फाइन जोड़ी लग रही है देखने में, क्योंकि भाई एक्शन दमदार मिलने वाला है। वो मिनी कॉन्ग जो है उसका पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाद में कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, हो सकता है स्कार किंग की औलाद हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो मिनी कॉन्ग जो है भाई, वो अपने कॉन्ग भाई साहब को, जो अपना मेन हीरो है, उसे पत्थर मारते नजर आ रहा है, उसका क्या रोल होने वाला है। देन गॉडजिला अपना पिंक कर दिया है भाई, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट करके गया, क्योंकि पिछले बार वाला जो गॉडजिला था वो दमदार था यार। फिलहाल देखते हैं क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। बाय।